सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार को मिली बड़ी जीत। शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर रखने को मंजूरी। राज्य सरकार अब 5,500 गेस्ट टीचर रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार को बड़ी जीत मिली है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने R9 टीवी को दी जानकारी। राज्य सरकार अब 5,500 गेस्ट टीचर रख सकेगी। देहरादून उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार को बड़ी जीत मिली है। शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर रखने को अब मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार अब 5,500 गेस्ट टीचर रख सकती है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज पवार, ब्यूरो चीफ, इस पूरी खबर पर इनसे। और पंकज, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब पंकज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है अभिषेक। हाँ जी जी, गेस्ट टीचर के लिए जैसी ये अच्छी खबर है, तो इस खबर को आप किस तरह देखते हैं पंकज? अब उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये मामला चल रहा था और राज्य सरकार कई पद ऐसे खाली हैं जो पहाड़ों में शिक्षकों को नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसलिए सरकार ने गेस्ट टीचर व्यवस्था को अपनाया था, और उसके तहत अब लगभग 5,500 गेस्ट टीचरों की भर्ती सरकार कर सकेगी। हालांकि ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, और क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही इस पर रोक लग गई थी, इसलिए सरकार गेस्ट टीचर नहीं भर्ती कर पा रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दे दी है कि वो लगभग 5,500 गेस्ट टीचरों की भर्ती कर ले। तो कुल मिलाकर ये राज्य सरकार के लिए और प्रदेश के जो युवा हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं और स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। और उनको जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी अपनी तरफ जो मानदेय की भी बात है, लगभग 15,000 रुपए दिए जाते हैं, या फिर उसको अभी रिवाइज भी किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार मिलेगा और लगभग 5,500 युवाओं के लिए जो है वो गेस्ट टीचर के जो भर्तियां होंगी उसमें राहत मिलने की खबर है। जी पंकज, मौजूदा समय में जो सरकारी स्कूल है इसके अंदर जो पद है, कितने पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के? देखिए, लगभग 17,000 से ज्यादा पद है जो अभी खाली पड़े हैं, और लगभग सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पहाड़ के इलाकों में तो शिक्षक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो प्रदेश के नौनिहाल हैं या फिर बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। एक स्कूल में अगर 3 शिक्षकों की जरूरत है तो वहां पे एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, वो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। हालांकि सरकार ने शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्र जैसे व्यवस्थाएं भी पहले की थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, इसलिए अब गेस्ट टीचर की व्यवस्था की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे कितनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो पाती हैं। जी पंकज, इस पूरे टीचर मामले को लेकर जो गेस्ट टीचर पहले से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको रखा जाएगा या नई भर्तियां भी होंगी, कैसे, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी? आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक मौजूद सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग अभी तक पढ़ा चुके हैं, लगभग 1 साल का टेन्योर उनको दिया जाता है, उसमें अगली बार जब कईयों को जो दिया जाता है उसमें वेटेज भी देने की भी बात है। हालांकि कोशिश सरकार की यही रहती है कि जो काम कर रहे हैं उन्हीं को मौका दिया जाए, लेकिन फिर भी जो नए जितने एस्पिरेंट्स हैं जो उसमें काम करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें जो वेटेज की स्थिति होती है उसमें गेस्ट टीचर को देने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि ये भी होता है कि कुछ साल अगर किसी ने काम कर लिया, वो चाहे डेली बेसिस पे ही है, लेकिन फिर वो उसके बाद वो संविदा पे आने की बात करता है, फिर उसको वो अपने आप को पक्का करने की बात करता है, तो उन तमाम चीजों से सरकार ने बचना चाहती है, और उसके तहत सरकार ने गेस्ट टीचर की एक नई डेफिनेशन दी है, और उसके तहत उनसे बकायदा लिखा दिया जाएगा कि आप 11 महीने ही पढ़ा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है आने वाले दिनों में 11 महीने के लिए ही सही रोजगार तो मिलेगा प्रदेश के बेरोजगारों को। तो पंकज, इस समय जो मौजूदा समय में गेस्ट टीचर्स हैं उनकी शिक्षा मित्र जिन्हें कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है इस समय, और जो ये 5,500 भर्तियां होंगी, क्या जो एक आपूर्ति है जो भर पाएगी इसे? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र जो होते हैं ये अक्सर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं या आंदोलन करने लगते हैं, तो इसको आप कैसे देखें, क्या उनके अधिकारों को लेकर भी कुछ बात आगे आएगी? देखिए, गेस्ट टीचर व्यवस्था अलग है, शिक्षा मित्र व्यवस्था अलग है,
और शिक्षा बंधु व्यवस्था अलग है। और ये गेस्ट टीचर जो है वो पिछली हरीश रावत सरकार के दौरान शुरू की गई थी। लगभग अगर कहा जाए तो अभी तक लगभग 7,500 या लगभग 8,000 के लगभग गेस्ट टीचर कार्यरत थे। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट की द्वारा नियुक्ति रोक लगी थी उसके बाद से गेस्ट टीचरों का फिर से रिन्यूअल नहीं हुआ था, तो ऐसे में मुझे लगता है फिर से अब रिन्यूअल होगा, जो तमाम जो शिक्षक है उनका रिन्यूअल किया जाएगा और उनको फिर स्कूलों में भेजा जाएगा। वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी उसके बाद से किसी गेस्ट टीचर को रखा नहीं गया था और जो काम कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया था, तो उसकी वजह से व्यवस्था पटरी से जरूर उतर गई थी। इसको देखते हुए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई और आज उनको बड़ी राहत इस पूरे फैसले से मिली है। जी तो पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ने के लिए।